डिस्क्लेमर। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की डेथ के बाद सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का मैटर और तेजी पकड़ रहा है। किसी न किसी सेलिब्रिटी का, किसी न किसी नामचीन व्यक्ति का रिएक्शन पल पल निकलकर सामने आ रहा है। अपने भारत की जानी मानी बेटी नाजिया इलाही ने भी इस मसले पर अपने विचार पाकिस्तानी यूट्यूबर सुएब चौधरी के चैनल पर दर्ज कराए। आज हम सुएब चौधरी के चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी की वीडियो का, जिसका टाइटल है लॉरेंस बिश्नोई वे सलमान खान, बिश्नोई कमिटी डिमांड्स जस्टिस, नदीम खान लेटेस्ट वायरल वीडियो का रिव्यू करेंगे और देखेंगे इस वीडियो में किन किन टॉपिक को कवर किया गया है। सुएब चौधरी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए हम सब वीडियो का रिव्यू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत ही शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो, आज का ये टॉपिक बहुत ही हट के होने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले दो वीडियोस नाजिया जी के साथ हमने किए हैं लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से। नाजिया जी की ओपिनियन ली, एक साइड की ओपिनियन ली, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे दोनों साइड की ओपिनियन आप तक रखें और फिर हम ये भी कोशिश करेंगे कि वो लोग जो मतलब सलमान खान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं उनका भी इंटरव्यू लिया जाए, उनकी ओपिनियन भी आप तक पहुंचाई जाए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। नाजिया जी कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? एकदम फैंटास्टिक। ठीक है नादिया जी, आज आपसे भी कुछ सख्त सवाल होने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उन सख्त सवालों का जवाब भी सख्ती से जबरदस्ती, मतलब बहुत जबरदस्त किस्म का वो जवाब देंगी और ऑडियंस पे डिपेंड करता है वो उसे फिर उस आंसर को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, आपने दो प्रोग्राम हमारे साथ किए और बहुत ज्यादा लोगों ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन देखने में आया कि जो हिंदू कम्युनिटी है मेजोरिटी वही आपको मतलब नीचे सपोर्ट कर रही थी कि नाजी इलाही ने बहुत जबरदस्त बातें की। क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को या लॉरेंस बिश्नोई के काम को इसलिए पसंद कर रही हैं या उसके ऊपर बात कर रही हैं कि भाई आपको हिंदू समाज या हिंदू कम्युनिटी की सपोर्ट मिल सके? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो शोएब, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम और वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने सलाम नहीं किया तो मैंने ऐसे ही वालेकुम अस्सलाम कह दिया। ठीक है, देखो शोएब, मुझे लोग सुनना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं सत्य बात करती हूँ, बिल्कुल सच्ची खरी खोटी बात करती हूँ। जो मैंने आपको 1730 की कहानी सुनाई, जो ट्रू स्टोरी सुनाया, क्या उसमें किसी ने कोई टिप्पणियां कर पाया? कोई कह पाया कि नाजिया गलत बोल रही है? कोई कह पाया कि उसके पास कोई और प्रूफ है? मैंने तो इतिहास के पन्ने खोल दिए और आज फिर से नाजिया इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खोलने वाली है जिससे आतंकी और जिहादियों के कान खड़े हो जाएंगे और एक बार फिर से हिंदू समुदाय कहेगा कि नाजिया जी ने फिर से सत्य रख दिया शोएब चौधरी के सामने। ठीक है, अब 10-10 मिनट मुझे नॉन स्टॉप दे देना क्योंकि सत्य सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक मिनट मैं इधर पहले क्लियर करता चलूं। मैंने अपना सवाल रखा और सीधा सवाल, सख्त सवाल रखा, ये भी नहीं कैसी हैं वैसे हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधा ही कहा कि आप क्या हिंदू समाज की हमदर्दी लेने के लिए ऐसी बात करते हैं। उसके ऊपर नादिया जी बात करेंगी और आगे जो दूसरी साइड की ओपिनियन है वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, उनकी क्या सोच है जो सलमान खान को सपोर्ट करते हैं, और मजीद सवाल आप भी नादिया जी से करेंगे। जी नादिया जी, मैं खामोश हूँ, आप अपनी ओपिनियन रखिए। देखिए, हिंदू समाज अगर मुझे समर्थन करता है तो कोई आकर के मेरे घर में रोटी नहीं दे दे रहा है, कोई मेरे घर का चूल्हा नहीं जला दे रहा है, या कोई मुझे 10 रुपए नहीं देता है, या कोई मेरा यूट्यूब चैनल देख करके मुझे कमाई नहीं करवा देता है। मेरा कोई चैनल नहीं है भाई, मुझे लोग इनवाइट करते हैं, मैं बैठती हूँ और मैं सत्य पर बात करती हूँ। मैं किसी का 10 पैसा नहीं जानती, मैं गाढ़े खून के पसीने से जो कमाती हूँ मैं अपना पेट और अपने बच्चे का पेट उसी से चलाती हूँ। तो किसी हिंदू के समर्थन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, सबसे पहली साफ सुथरी बात। अब आती है सत्य की बात कि इस भारत देश में 77 सालों से हिंदुओं को डराया जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, उसका सर तन से जुदा किया जा रहा था। आज पहली बार मुस्लिम माफिया गैंग के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। जिंदगी खोने का भी डर है मुस्लिम माफिया गैंग को, और मुस्लिम माफिया गैंग को पोल और हिजाब खुलने का भी डर है, बड़ा जबरदस्त डर है। अब आती हूँ इतिहास के पन्ने में कि जो आज सलमान खान के समर्थन में और बाबा सिद्दीकी की मौत पर मातम कर रहे हैं,
बिना मुहर्रम के मुहर्रम बना रहे हैं। मैं जरा पूछना चाहती हूँ कि जब गायकार सिंगर गुलशन कुमार की हत्या हुई थी तो ये सारे मुसलमान कहाँ मर गए थे? कौन से नींद की गोली खा लिया था जो किसी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया? यहाँ तक कि बॉलीवुड वाले ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो मुसलमान थे। खान ग्रुप ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनकी हत्या पे बहुत अफसोस हुआ है। क्यों? क्योंकि गुलशन कुमार हर एक सनातनी, हर एक हिंदू जो भारत में बसा हुआ है या पूरी दुनिया में बसा हुआ है, उसके दिल में भजन कीर्तन पैदा कर दिए थे। गुलशन कुमार ने एक आदत डलवा दी थी पूरी दुनिया के हिंदुओं को कि सुबह टीवी खोलना है और गुलशन कुमार जी जी का भजन और कीर्तन सुनना है। 90s की बात बता रही हूँ। अब जी आती है अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल इतनी खूबसूरत गायिकार कि गला ना हो, कांच हो, कांच की तरह आवाज निकलती थी, जिन्होंने हिंदू महिलाओं के दिल में माता की भक्ति, जागरण, पूजा, आराधना, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, अपने धर्म के प्रति लगाव, अपने धर्म के प्रति झुकाव को पैदा करवा दिया था अपनी अपने भजन कीर्तन के द्वारा। अनुराधा पौडवाल जी को धमकी आई थी और तब से जो चुप हुई हैं, आज तक चुप हुए हैं। यही 90s की बात है। अब आती है विद्या भारती, 90s की हीरोइन, और इतनी कमाल की अदाकारा कि जब शाहरुख खान के साथ उनकी मूवी आई तो शाहरुख खान दिव्या भारती की एक्टिंग के सामने चाय कम पानी हो गया और तारीफ सारी बटोर करके दिव्या भारती ले गई। मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। अब आते हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं लिंक बाबा सिद्दीकी का भी आ रहा था। बड़ी आलोचना बाबा सिद्दीकी की भी हो रही थी। इंटेलिजेंट माइंड, बहुत बुद्धिमान, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव और गजब की एक्टिंग पर करके एक ऐसा नई दिशा एक्टिंग की दुनिया में लेकर आया था कि धीरे धीरे खान फैमिली और उनके आने वाले जो औलादे हैं उनका पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा था। मर्डर हो गया, हो गया मर्डर। क्यों? इस पर कोई नहीं रोएगा, इस पर कोई छाती नहीं पीटेगा, इस पर मातम नहीं होएगा, हाय हाय नहीं होएगा। क्यों? सच बोलने में कहां कि कहां किसका डर, काहे का डर? अल्लाह ने भी कहा है कि सच कहा करो, झूठ का पर्दा फाश होता है, सच अल्लाह को भी पसंद है। अब आते हैं पॉलिटिशियन पर। दिग्विजय, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एमपी रह चुके, लोकसभा एमपी रह चुके और कांग्रेस के गद्दावर नेता, दोस्ती किससे? जाकिर नायक से। गला किसको लगाते थे? जाकिर नायक को। भगाने में किसका साथ दिया? जाकिर नायक का। भगोड़ा जाकिर नायक को मलेशिया तक पहुंचाने में खर्चा किसने किया? शायद इन्हीं लोगों ने। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दोस्ती किससे? यासीन मलिक से। दस्तरखान किसके साथ बिछाते थे? यासीन मलिक के साथ। मुर्गा किसके साथ तोड़ते थे तंदूरी? यासीन मलिक के साथ। मुगलाई खाना किसके साथ खाते थे? यासीन मलिक के साथ। हमारी सोनिया एंटोनियो जी, किसके गांधी परिवार की बड़ी बहू, बड़ी बहू, दोस्ती किसके साथ? चाइना के साथ। किसके साथ वाइन खड़काया करती थी? चाइना के साथ। और वो चाइना जिसने भारत का हमेशा इकोनॉमी डुबाने में सोनिया गांधी की मदद से हमेशा भारत की इकोनॉमी डुबाई। अब आते हैं जनाब हजरत आला राहुल गांधी जी पर। विदेशी यात्रा जब करते हैं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे कजाकिस्तान चले जाएं, चाहे तुर्किस्तान चले जाएं, चाहे वॉशिंगटन चले जाएं, मुलाकात किससे करते हैं? भारत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन से। किसको रोटी बोटी देते हैं? भारत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन से। बुराई किसकी करते हैं माइक पकड़ करके? भारत भारत के विरोध में। क्या कहते हैं कि सिख जो है वो कड़ा नहीं पहन सकते, दस्तार नहीं पहन सकते भारत में। तस्वीरें आती हैं कि जो लोग भारत को डुबा देना चाहते हैं, जो लोग भारत को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी बैठ करके उनके साथ आराम से शराब नवेशी करते हैं। अब आते हैं अखिलेश यादव जी पर। अभी हालिया में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टी अखिलेश यादव जी ने कहा, उनके समर्थक ने कहा है, उनके बड़े नेता ने कहा है कि औरंगजेब की तरह तलवार लेकर के सबका गला काटेंगे। कल की एक घटना बताती हूँ। News 18 हिंदी डिबेट पर एक बहुत बड़े पत्रकार को समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने धमकी दी कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, उस पत्रकार को फेक फैब्रिकेट केस में फंसा करके जेल की हिरासत में डाल दिया जाएगा। अब आते हैं केरला। केरला
जो अंडर कांग्रेस सरकार है, वहां आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पीएफआई का विदेश तक मकड़ी जाल, 30,000 आतंकी सेना, हवाला से आ रहा केरला में पैसा, कोर्ट में ने 2022 में यह मोहर लगा दिया कि पीएफआई आतंकी संगठन है, कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर पर पीएफआई को बैन कर दिया गया, पर कांग्रेस की अंडर लीडरशिप में यह आतंकी ऑर्गेनाइजेशन फल रहा है, फूल रहा है। आज ही ईडी ने इसका खुलासा किया है, आज 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 अभी 8 घंटे पहले। अब तो इन सबको जेल जाना चाहिए, इन सबको गैंगस्टर बोलना चाहिए, इन सबको टेररिस्ट बोलना चाहिए। अब आता है दूसरा सवाल, क्या लॉरेन ने कभी पाकिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी खालिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी रेप किया है? क्या लॉरेन ने किसी टेररिस्ट से जुक्त होने का कोई अंदेशा कोर्ट को मिला है? क्या लॉरेन ने किसी नशा का व्यापार का इल्जाम लॉरेन बिश्नोई पर है? क्या लॉरेन पर लैंड माफिया का इल्जाम है? क्या लॉरेन ने कभी अपने बयान में किसी मजहब वालों को कोई तकलीफ पहुंचाई है? क्या लॉरेन ने कभी किसी गरीब मासूम को कुचलकर मौत के घाट उतारा है? नहीं, नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के एक जज थे आरके अग्रवाल, उनका जजमेंट आज मैं पढ़ रही थी, मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था, हु विल डिसाइड हु आर टेररिस्ट और नॉट, कौन डिसाइड करेगा कि वो टेररिस्ट है या नहीं है, या गैंगस्टर है या नहीं है, ये तो कोर्ट और जज डिसाइड करेगा ना। पर लॉरेन का केस तो अभी अभी अंडर ट्रायल है, अभी तो ये साबित नहीं हुआ है कि वो गैंगस्टर है भी कि नहीं है। और मैंने आपको एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बताया, पॉलिटिशियन के बारे में बताया, तो जितना बुरा लॉरेन ने नहीं किया है उससे ज्यादा बुरी बुरी बातें और घटनाएं मैंने प्रूफ के साथ आपको बता दी हैं। आज आप जी, इधर ये एक लॉजिकल बात, बिल्कुल एज ए कानून का लॉ के स्टूडेंट मैं भी इस चीज को समझता हूँ। मतलब ये अभी इस चीज को मैं क्लियर करता चलूं कि डेफिनेटली इंडिया के कानून, जहां का इंडिया का सिटीजन लॉरेंस बिश्नोई है, और इंडिया के कानून के मुताबिक अभी ना तो उसे सजा हुई है, ना ही कोई उसके ऊपर कोई हुआ है कि भाई ये, यानी ये टेररिस्ट है या एक गैंगस्टर है, अभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जब तक कानून नहीं कहता, ऐसे तो मेरा जिसका दिल करेगा, मैं जिसको दिल करूंगा मैं कहूंगा ये आतंकवादी है, जिसका दिल करेगा मैं कह दूंगा कि ये गद्दार है, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे तो मेरे पे कई दफा फतवे लगे, तो इसका मतलब जो किसी का भी दिल करे, किसी पे भी, नाजिया जी को कोई उठ के कह दे कि ये गद्दार है, ये पाकिस्तान के साथ बैठ के प्रोग्राम करती है, पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, इसका मतलब है कोर्ट जब तक डिसाइड नहीं करता किसी भी कंट्री के सिटीजन के लिए, उसका कोर्ट डिसाइड नहीं करता तब तक वो ऑफिशियली गैंगस्टर, इसका मतलब हम लॉरेंस को गैंगस्टर नहीं कह सकते अभी। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच आर के अग्रवाल जज का मैं आपको जजमेंट बता रही हूं, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी को कहा है कि आज आप टेररिस्ट को छुड़वा रहे हैं, कल आप इसको पद्म भूषण और सम्मानित कर देंगे। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी एक टेररिस्ट था जो अरेस्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, गर्मी से लू से वो जेल से कोर्ट आते वक्त उसकी मृत्यु हो गई, चक्कर खा करके गिर गया और इमीडिएट हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। आपको पता है समाजवादी पार्टी ने धरना कर दिया, दे दिया और भूख हड़ताल किया कि क्यों, कैसे मर गया टेररिस्ट, मेरा प्यारा दोस्त टेररिस्ट कैसे मर गया, मुख्तार अंसारी लैंड माफिया टेररिस्ट जिसने कई रेप करवाए, कई लैंड माफिया का काम करवाया, कई वक्फ बोर्ड की जमीन संपत्ति को हड़प करवाया, कई मासूमों की जान ले ली, मर्डर मर्डर किया, नशे का व्यापार करता था। लेकिन जैसे ही मुख्तार अंसारी की मृत्यु की बात आई, सारे समाजवादी पार्टी खड़े हो गए, हाय मेरा मुख्तार मर गया, हाय मेरा मुख्तार मर गया। भाई ये वही भारत के लोग हैं मुसलमान, और ये वही कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियां हैं जो आतंकियों के मरने पर मातम करती है। और लॉरेन बिश्नोई को तो अभी जज ने बोला भी नहीं है कि भाई वो गैंगस्टर है, आतंकी तो दूर दूर तक नहीं है वो, लेकिन गैंगस्टर है ये भी अभी जज ने कंप्लीट अभी ऑर्डर में नहीं लिखा है। अब आती है बात से संजय दत्त, जी एक्टर संजय दत्त, तो वो भी तो टेररिज्म एक्टिविटीज में टाडा के केस में अंदर थे, चरस गांजा का व्यापार करते थे दाऊद इब्राहिम के साथ, कुत्ते की तरह कॉलर कॉलर पकड़ के घसीट करके पुलिस लेकर के गई थी जेल में, लेकिन हम इनको एक्टर बोलते हैं ना, लोग सीटी बजाते हैं ना उनकी उनका फिल्म देख करके। सलमान खान, इसने दारू पी करके गरीब मासूम लोगों को रोड पर कुचल दिया था, मौत के घाट उतार दिया था, पर जैसे ही सलमान खान पर्दे पे आता है, हुड़ हुड़ दबंग दबंग करता है, लोग सीटी बजाते हैं ना, लोग अपने पॉकेट से पैसा लेकर के उसकी फिल्में देखने जाते हैं ना,
लेकिन यही सलमान खान दारू के नशे में धुत होकर के लौंडियाबाजी करके आ रहा था और गरीब मासूम कई लोगों के सीने पर गाड़ी चढ़ा करके कुचल दिया और कभी माफी भी नहीं मांगा। लेकिन इसको लोग हीरो बोलते हैं ना, तो फिर अगर कोई भारत का एक वर्ग लॉरेन बिश्नोई को अगर हीरो मानता है तो मानने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। जब जज बोल देगा कि भाई ये गैंगस्टर है तो आप देखना सारे लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे। ठीक हो गया नाजिया जी, टाइगर जिंदा है। ये टाइगर कब तक जिंदा रहेगा और असली टाइगर कौन है, रियल टाइगर कौन है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? ये सोशल मीडिया पे बड़े सवालात उठ रहे हैं, एक टाइगर जिंदा है और एक टाइगर शायद जिंदा रहने नहीं देगा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? टाइगर जिंदा है तो सलमान खान की मूवी आई थी, पर अभी तो फिलहाल टाइगर की फटी पड़ी है। टाइगर पैंट में ही सुसु कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि वो टाइगर है। हाँ वाकई में टाइगर जो है वो अभी जेल की हिरासत में है और जेल की हिरासत से सिर्फ दहाड़ रहा है, सिर्फ दहाड़ रहा है। जैसे पप्पू यादव ने लॉरेन बिश्नोई के अगेंस्ट में बोला, फिर 360 डिग्री यू टर्न ले लिया। कमाल खान एक्टर ने, डूबा हुआ एक्टर है, उसने लॉरेन बिश्नोई के अगेंस्ट में बोला, फिर 360 डिग्री से यू टर्न ले लिया। मुझे लगता है अभी लॉरेन अपने बिश्नोई एक ऐसी नदीम दवा है खान है, हम जो उनसे सबकी कॉन्टेक्ट दुनिया को कर रहे ठंडा हैं। कर देता है। नदीम खान काफी ज्यादा इस टाइम वो देख सोशल मीडिया पे उनकी क्लिप्स, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें सलमान खान की फेवर में बोलते नजर आ रहे हैं। लाजिया जी, क्या अगर वो ऑनलाइन आते हैं, क्या आप उनके साथ वन टू वन डिबेट करने के लिए एग्री हैं? मैं मतलब आपसे पूछ लूं और फिर जाहिर बात है फिर दोनों साइड अगर एग्री होती है तो वन टू वन हम डिबेट, क्या आप एग्री हैं? देखो सबसे पहली बात है कि शोएब, मैं एक बहुत ही पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हूं। ठीक है, किसी जाहिल के साथ बैठ कर गए करेगा क्या, ए लेगा क्या, ए मारेगा क्या, ए तेरे को करने का क्या। आई कांट डू दिस, ठीक आई है, कांट डू दिस। मैं बदतमीज लोगों के साथ, मैं डिबेट तो नेशनल न्यूज चैनल पर मैं डिबेट छोड़ देती हूँ, बदतमीज लोगों के साथ। हाँ मेरे साथ अगर कोई सलीके शुआर आदमी जो वेल एडुकेटेड है, जो चाहे वो एलीट क्लास आपसे का है, मुखालफत रखता तो हो, चाहे इस आपसे बात को डिसएग्री करता हो, मुझे मुझसे नफरत करता हो, ठीक है, मेरे नाम का रोज कसीदा पढ़ता हो, मेरे नाम का रोज पुतला जलाता हो, लेकिन वो एडुकेटेड अगर है तो वो मेरे साथ बैठ सकता है और किसी भी बात पर आलोचना कर सकता है। ठीक हो गया। नादिया जी, आपने दो तीन नाम लिए कि सलमान खान की फेवर। अभी एक वीडियो मुझे टीम मेंबर ने दिखाया है मिक्का सिंह की, अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं वीडियो स्क्रीन पे। मिक्का सिंह बकायदा तौर पे ये बोल रहा है कि भाई हम सलमान खान के साथ हैं, सलमान खान को डरने की जरूरत नहीं है। और ये लॉरेंस बिश्नोई को बकायदा तौर पे, मतलब मैं वो वर्ड नहीं यूज कर सकता क्योंकि वो वैसे भी एथिक्स के खिलाफ है, गाली कह लें कि तेरी ये तो तेरी वो, तो इस तरीके से वो देता नजर आ रहे हैं। मिक्खा सिंह, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप ये भी सॉरी करेंगे आने वाले टाइम में, या फिर क्या इसके ऊपर आप ओपिनियन देंगी? एक होता है बदतमीज और एक होता है अश्लील। तो मिका सिंह के बारे में पूरी पूरे भारत को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता होगा कि राखी सावंत को स्मूच करने के बाद ही वो बहुत फेमस हुआ था, और हमेशा अपनी अभद्र टिप्पणियां, गाली गलौज, माँ बहन की गालियां पब्लिक गैदरिंग में देने के बाद ही उसकी एक बैड टीआरपी उसने बनाई है और उस बैड टीआरपी को वो कंटिन्यू रखना चाहता है, दैट्स इट। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो हैं वो उन पर आलोचना करना भी हम जैसे लोगों के लिए अच्छा नहीं रहता ठीक है। हो गया। पाकिस्तान से बहुत से सवाल आ रहे हैं और मैं एक चीज ये पहले क्लियर करता चलूं, देखें जो जो भी इंडिया का इंटरनल मैटर है, मैं एज ए पाकिस्तानी, नो डाउट मेरी बहुत सी ऑडियंस इंडिया से है, लेकिन मेरा कुछ भी राइट नहीं बनता कि मैं इंटरनल मैटर, जैसे नादिया जी अभी बात कर रही थी कांग्रेस के हवाले से, वो जो भी है जैसे भी है, वो उनकी अपनी पार्टी है, वो अपने लोग हैं, वो उनको राइट है कि वो बात कर सकते हैं। मुझे राइट नहीं है कि मैं कांग्रेस या बीजेपी या किसी के ऊपर भी बात करूं, किसी के भी अगेंस्ट बात करूं। लेकिन जिधर बात आ रही है, मतलब जाहिर बात है लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, दोनों लोगों को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस टाइम देखा जा रहा है, दोनों के ऊपर डिस्कशन की जा रही है, तो पाकिस्तान से ये सवाल आ रहा है या ओवरऑल ये सवाल आ रहा है कि भाई एक मुस्लिम लड़की क्यों लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लड़की को सलमान खान का सपोर्ट करना चाहिए और वो अपना लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है? ठीक नहीं, मैं सपोर्ट तो नहीं कर रही, है, मैं तो सत्य बात सामने रख रही। अपनी मैं कैसे किसी ओपिनियन गैंगस्टर का जो के अंदर है मैं उसका सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ? मैं जबरदस्त, तो सिर्फ सत्य बात सामने रख रही हूँ, मैं ठीक उसके है, समर्थन, मैंने तो नहीं कहा कि नहीं वो सच्चा ही है, वो अच्छा ही है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने दोनों दोनों तरफ की बातों को सामने में रख दिया है। अब कल को
मान लीजिए मेरे मुझे ही उसका केस देखना पड़ा लॉरेंट बिश्नोई का, तो ठीक है, मुझे तो मैं तो ये सारी बातें कोर्ट के अंदर भी रखूंगी, मेरे सीनियर भी रखेंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम तो उसके पूरे इतिहास के पन्ने को जज को बताएंगे ना कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मैं उसके समर्थन में तो नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं बार बार कह रही हूं कि एक बार जज साहब ने अपने पेन से ऑर्डर में अगर लिख दिया कि लॉरेंट बिश्नोई इज अ क्रिमिनल, लॉरेंट बिश्नोई इज अ गैंगस्टर, दैट्स इट, ठीक है। दैट्स ये इट। जब तक नहीं लिखा जाता, यानी कि अदालत का फैसला नहीं आता, तब तक शायद किसी को उस तरीके से हक नहीं कि वो अपनी, हाँ हर एक की ओपिनियन है, लेकिन उसे क्लेम अपनी कर ठीक सके है। लॉरेंट बिश्नोई को कोई पर्सनल उसकी लाइफ में या उसका पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन करे, ये कानूनी जुर्म है, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है कि वो गैंगस्टर है, अभी तक नहीं आया है। इवन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, मतलब जाहिर बात है इस केस को मैं बहुत डीपली, इसके ऊपर जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, मेरा इंटरेस्ट है, मैं देख रहा हूँ। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने अभी बकायदा तौर पे खुद अपनी, जैसे सिद्धू मूसेवाले का जो इशू हुआ उसके ऊपर तो बकायदा बोला गया कि हाँ भाई मेरी मेरी टीम ने, मेरी गैंग ने, मेरे लोगों ने ये सब किया है, क्योंकि उसने ये चीजें की थी या जो भी किया था खालिस्तान को लेके ओवरऑल। लेकिन बाबा सिद्दीकी जिसके बाद, मतलब ये जिसके मर्डर के बाद ये सब वीडियोज और ये सब इश्यूज सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक कोई भी लॉरेंस बिश्नोई ने स्टेटमेंट नहीं दी, कोई वीडियो नहीं आई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को फंसाया जा रहा है इस केस में, मतलब कंधे पे, लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पे रख के बंदूक चला दी जा रही है। हाँ हाँ, आज उनके लॉरेंट बिश्नोई के कजन ब्रदर ने खुद भी ये स्टेटमेंट दिया है, और वो पूरा न्यूज मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं लॉरेंट बिश्नोई को फंसाने की बात आ रही है। और देखिए, लॉरेंट बिश्नोई ने बहुत बार क्लियर किया है कि सिद्धू मूसावाला का की फंडिंग जो है, पैसे का जो हेल्प था वो खालिस्तानियों को जाता था, और एक पंजाबी होने के नाते, एक पंजाब का एक सिटीजन और वोटर होने के नाते, अगर लॉरेंट बिश्नोई इस बात का विरोध कर रहा था कि हमारे देश के और टुकड़े ना हो, तो मुझे तो लगता है कि वो बहुत राष्ट्रवाद है। आज अगर मेरे सामने केरला टूटता हुआ नजर आएगा, जिस हिसाब से केरला की, अभी मैंने पूरी स्टोरी आपकी बताई कि PFI उसको इस्लामिक राज बनाना चाहता है, जैसे पश्चिम बंगाल इस्लामिक राज बनने को आ चुका है, तो मुझे तो दर्द होगा ना। मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँ कि पश्चिम बंगाल इस्लामिक स्टेट ना बने, केरला इस्लामिक स्टेट ना बने। तो उसी तरीके से लॉरेंट बिश्नोई भी चाहता है कि पंजाब खालिस्तान ना बने, वो भी चाहता है। हो सकता है हमारे हमारे विरोध करने का तरीका अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके विरोध करने का तरीका बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अपना अपना तरीका होता है। कुछ करने बच्चे होते हैं जो बहुत काबिल होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कनिंग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही बहुत मच्योर होते हैं, तो अलग अलग तरीका होता है लोगों को अपनी विचारधारा सामने रखने का। लेकिन उसके उसकी विचारधारा में राष्ट्रवाद पहले आ रहा है, वो नहीं चाहता है कि पंजाब में किसी भी पंजाब टूटे और खालिस्तान बने, वो नहीं चाहता है। वो हमेशा पंजाब में जिस हिसाब से नशा होता है, नशे का व्यापार होता है, और पाकिस्तान में से, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर बहुत जुड़ा हुआ है और नशा वहां से सप्लाई होता है, उसने हमेशा विरोध किया है ठीक है। लॉरेंट एक बिश्नोई। स्टेटमेंट मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था लॉरेंस बिश्नोई की, और स्टेटमेंट ये थी कि पंजाब के सपूत, यानी कि पंजाब के जो बेटे हैं वो हम हैं। लॉरेंस बिश्नोई बात कर रहा है कि पंजाब का बेटा मैं हूं, और मैं किसी को एक इंच जमीन भी यहां से वहां नहीं करने दूंगा, एक इंच जमीन भी यहां से वहां मेरे होते नहीं हो सकती। मतलब ये अपने कंट्री को लेके वो जो एक मोहब्बत का इजहार करता है नजर आता है। एक बड़ी बात जो नादिया जी ने इसी प्रोग्राम में की कि भाई कोई एक क्लिप ऐसा दिखा दें जिसमें लॉरेंस बिश्नोई किसी दूसरे मजहब को लेके कोई इस तरीके से कोई भी गुफ्तगू, कोई भी बात करता नजर आ रहा है, जिससे डिसरिस्पेक्ट हो या किसी को तकलीफ हो किसी दूसरे मजहब वाले को। तो वो अगर ऐसा है तो मुझे आप अपना ईमेल कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं, मैं दोनों साइड सामने रखूंगा। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि कोशिश यही है कि भाई किसी ना किसी तरीके इन चीजों के ऊपर, जो कि एक बता दिया जाता है कि लो जी अभी इस टाइम हिंदू जो उनसे हैं वो मुसलमानों पे जुल्म हो गया, जुल्म कर रहे हैं, हिंदू जो गैंगस्टर्स हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, बाबा सदीकी, फिर उससे पहले ये, फिर अब सलमान खान इतना बड़ा सुपरस्टार, और उसे जो उनसे डराया जा रहा है। लेकिन अगर किसी जगह पे भी अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी के सामने हो तो काइंडली जरूर शेयर करें। नादिया जी को बोल के मैं दिखाऊंगा, लो जी आप तो ये कह रही थी, आप तो कह रही थी कि ऐसा कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये देखिए ये वीडियो सामने आ गई है। और नादिया जी डेफिनेटली, आप नादिया जी क्या कहती हैं, अगर किसी भी दूसरी मजहब को या किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को अगर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोई एक ऐसी स्टेटमेंट हो तो आप
ओपनली इख्तलाफ करेंगी लॉरेंस बिश्नोई से, ओपनली ऐसे ही जैसे अभी वीडियो बनवा रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि ऐसा ही प्रोग्राम फिर लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट होगा। शोएब, मैं गारंटी ले रही हूं कि लॉरेन बिश्नोई ने कभी भी किसी भी मजहब और किसी भी एक खास कम्युनिटी मतलब मजहब को मानने वाले या कम्युनिटी को उसने कभी भी आघात नहीं पहुंचाया है, ठीक है कभी भी उसने कुछ अगेंस्ट में बात नहीं किया है, कभी भी दिल दुखाने वाली बात ही नहीं की है। उसने साफ लफ्ज उसने सलमान खान के खिलाफ अगर बोला है तो साफ कहा है कि भाई उस वो जिस जानवर को भगवान मान करके पूजता है उसने उसको काट के खा लिया, इसीलिए मैं उसके विरोध में। उसने साफ बोला है, ठीक हो सिद्धू गया। मूसेवाला साफ बोला है कि पंजाब उसके पैसे पर खालिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो नशे का पूरा मतलब प्रचार करता था अपने पॉप सॉन्ग के जरिया से, वो कभी भी एक देश का नागरिक हो करके पंजाब का भला नहीं चाहता था, सिर्फ अपने पॉप सॉन्ग के जरिया लौंडियाबाजी और नशाबाजी को वो बढ़ावा देता था। तो उसके हर एक चीजें बहुत सत्य और तथ्य के साथ होती है लॉरेन बिश्नोई की, और मैं गारंटी ले रही हूं कि उसने कभी भी किसी को भी बेकसूर लोगों की तरफ तो वो आंखें उठा करके भी नहीं देखता है, कभी नहीं देखता है। और मैं दूसरी बात बताऊं कि लॉरेन बिश्नोई के ऊपर इल्जाम मर्डर का है, लॉरेन बिश्नोई के ऊपर इल्जाम गैंगस्टर होने का है, लॉरेन बिश्नोई के ऊपर इल्जाम रेपिस्ट होने का नहीं है। तो मैं पर्सनली उससे घिन नहीं करती, मैं बिल्कुल घिन नहीं करती हूँ, मैं रेपिस्ट से घिन करती हूँ। ठीक है, यहीं पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो दूसरी तमाम वीडियोस से थोड़ी हटके होगी। नेक्स्ट पीस के ऊपर एक बात करेंगे, एक अलहदा पहलू के साथ बात करेंगे। नाजिया जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आप अपनी ओपिनियन ओपनली सामने रखती हैं। और मैंने जो सख्त सवाल किए, क्योंकि ये मेरे सवाल नहीं थे, पब्लिक के सवाल थे, मैंने आपके सामने रखे। आपको अगर बुरा लगा उसके लिए सॉरी। देखने वालों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे आपको लगता है कि मैंने नरम सवाल किए, मैंने ये भी पूछ लिया तो हिंदुओं की हमदर्दी के लिए सारी बातें करती हैं, ये भी मैंने ओपनली रख दिया। हालांकि इससे नाराजगी भी में भी हो सकती हो कि भाई तुम ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हो, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, क्या आज पहली दफा प्रोग्राम कर रहे हो मेरे साथ, मैं 2 साल से जानता हूं। लेकिन पब्लिक की ओपिनियन थी, पब्लिक का सवाल था, सामने रखा और बिल्कुल वैसे ही रखा, सख्त अंदाज में रखा। नाजिया जी ने आंसर किया, आपको इनका आंसर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे सवाल आप कैसे लगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। इस वीडियो की शुरुआत में ही नाजिया जी ने पुराने सभी नामचीन भारतीय डॉन के बारे में, जो कि सभी मुस्लिम समुदाय से आते थे, उन पर जो टिप्पणी की वो पूरी तरह से सही उतरती है। और गुलशन कुमार मामले पर किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बयान ना देना कुछ खास इशारा भी जरूर करता है। 29 मिनट की इस वीडियो में 10 से 15 मिनट तक नाजिया जी ने बॉलीवुड में 90 के दशक में चल रहे माफिया डॉन की हरकतों पर अपनी चित परिचित अंदाज में अपनी बात रखी, जिसे गलत तो नहीं कहा जा सकता। नाजिया जी ने लॉरेंस बिश्नोई पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक बात साफ कही कि वो किसी भी माफिया डॉन का समर्थन नहीं करती, वो भारत की कानून व्यवस्था और न्यायालय का सम्मान करती हैं। नाजिया जी ने बताया कि न्यायालय ने अभी तक लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर या आतंकवादी घोषित नहीं किया है, इसीलिए जब तक न्यायालय लॉरेंस को अपराधी घोषित न कर दे तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस तरह की वीडियो का रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस मोर लिखकर हमें सूचित करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।